Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we will start our lecture number 25, unit number 4, living things and the environment. In lecture number 24 of subject science, chapter number 4, living things and the environment, हम living things के बारे में पढ़ेंगे और हम जो माहौल है उसके बारे में पढ़ेंगे. Question है 5. Do human beings have the greatest effect on the physical environment? क्या इंसान जो हैं उनका हमारे physical environment पे ज़्यादा effect है? Are biotic environment of organism या जो living things हैं उनके ऊपर? Explain your answer. इसकी वजाहत करने के कहा गया है question में, तो अब देखते हैं किसका answer क्या है. It is probable that humans have the biggest effect on the physical environment because of hunting, the destruction of habitats, the effect of pollution and the use of chemical pesticide control, wild pests and diseases. ये different reasons हैं कि वाकई में humans जो हैं वो एक बहुत बड़ा असर जो है वो रखते हैं हमारे environment के ऊपर, कि इनकी वजह से हमारा environment बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. humans हमारी वजह से environment जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. किस तरह से हंटिंग की वजह से जो हम लोग हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देते हैं वहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या कुछ और इंडस्ट्री वगैरह बिल्डअप करने के लिए. इसके अलावा हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ आर द टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हर्बीवोर अडॉप्टेड. जो हर्बीवोर है उसके टीथ और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसके जिस्म के वो कैसे अडॉप्ट किए हुए हैं उसने. आर सीओटी टू इस डाइट, हाउ आर कार्निवोर अडॉप्टेड टू इस डाइट. ये अपनी डाइट को डाइट के लिए इन्होंने अपने बॉडी के पार्ट्स को और अपने टीथ को कैसे अडॉप्ट कर लिया हुआ, ये हमने बताना है. तो आंसर क्या है, द टीथ ऑफ आ हर्बीवोर आर अडॉप्टेड फॉर ईटिंग प्लांट मटीरियल स्पेशली ग्रास. ग्रास वगैरह को खाने के लिए इन्होंने अपने टीथ को अडॉप्ट कर लिया हुआ है. इनके जो इंसीजर्स हैं वो चीज़र लाइक होते हैं और इनके जो चीज़र लाइक मतलब शार्प एजिज़ होते हैं इनके, जिसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्या कट करने के लिए, ग्रास वगैरह एंड अदर प्लांट्स. वाई द मोलर एंड प्री मोलर हैव फ्लैट सर्फसिस विद रिजिज. इनकी जो मोलर और प्री मोलर हैं वो बिल्कुल फ्लैट्स होती हैं और उनके ऊपर रिजिज मौजूद होते हैं. फॉर ग्राइंडिंग अप द प्लांट मटीरियल, प्लांट के मटीरियल जो ये खाते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए इनके जो होते हैं वो रिजिज होते हैं मोलर और प्री मोलर्स में. उसके बाद हम देखते हैं हर्बीवोर जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है उसने भी क्या कर लिया हुआ है, ख़ुद को इस काबिल बना लिया हुआ है कि वो प्लांट की सेल वाल को खा सके, उसके अंदर जो मटेरियल सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर सके. उसके बाद है कार्निवोर्स की बात कर लेते हैं. उसने पूछा था कार्निवोर्स जो हैं वो किस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं ख़ुद को डाइट के लिए. तो हमने पढ़ा कि हर्बीवोर जो हैं इनके चीज़र टीथ और फिर इनकी मोलर्स के ऊपर रिजिज जो हैं इनकी मदद से ये खुराक प्लांट्स को इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद हम देखेंगे द टीथ ऑफ अ कार्निवोर आर अडॉप्टेड टू कैच एंड ईटिंग अदर मैमल्स. कार्निवोर्स के टीथ जो हैं वो किस लिए अडॉप्ट कर लिए हुए, उन्होंने किसी एनिमल को या किसी और प्रे को कैच करने के लिए. द स्मॉल क्लोज फिटिंग इंसीजर्स, इनके जो इंसीजर्स हैं आर यूज टू क्लीन फॉर किसी प्रे की फर को वो साफ करने के लिए मतलब उतारने के लिए. एंड कट अवे पीसीज ऑफ फ्लैश क्लोज टू बोन्स, बोन्स के पास जो फ्लैश होता है गोश्त होता है उसके टुकड़ों को अलहदा करने के लिए ये अपने इंसीजर्स को इस्तेमाल करते हैं कार्निवोर्स के इंसीजर्स. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कार्निवोर इज क्वाइट शार्ट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रा छोटा होता है. एंड गिव द एनिमल्स अ स्लीक स्ट्रीमलाइंड अपीयरेंस, और बिल्कुल एक स्लीक और स्ट्रीमलाइंड अपीयरेंस जो है ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है और ये शार्ट होता है तो ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है इनकी खुराक डाइजेशन के लिए. लेकिन इनके जो इंसीजर्स और अदर टीथ वगैरह हैं इनके वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद को क्या कर लिया हुआ, अडॉप्ट फॉर द डाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, इन जनरल वाई वुड यू एक्सेप्ट अ कार्निवोर टू बी अ कैमोफ्लेज एंड लार्जर दैन हर्बीवोर. जो कार्निवोर हैं वो कैमोफ्लेज एबिलिटीज कैसे शो करते हैं और क्या ये लार्जर हैं हर्बीवोर्स की निस्बत. मोस्ट कार्निवोर्स इंक्लूडिंग वो जागर्स, चीतास, लिपर्ड्स, टाइगर्स एंड अदर लार्ज मेंबर्स ऑफ द
कैट फैमिली और कैमोफ्लेज, ये खुद को कैमोफ्लेज अपना रंग तब्दील करके अपने प्रे को इजीली कैप्चर कर लेते हैं, सो दैट दे कैन अप्रोच देयर प्रे विदाउट बीइंग सीन। ताकि ये कैमोफ्लेज एबिलिटी क्यों शो करते हैं, ताकि ये अपने प्रे को इजीली जो है अप्रोच कर सकें, उसको पकड़ सकें। उसके बाद है कार्निवोर की बात कर लेते हैं। मोस्ट कार्निवोर्स आर लार्जर दैन प्रे, सो दैट दे कैन ईजीली ओवरवेलम इट, इनको आसानी से ओवरवेलम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दे आर एक्सेप्शंस ओवर वुल्स एंड लाइंस हंट इन अ ग्रुप एंड सो कैन कैप्चर प्रे दैट इज लार्जर दैन ईच इंडिविजुअल प्रेडेटर। वुल्फ लाइन जो है ये ग्रुप बना के ऐसे प्रे को भी कैप्चर करते हैं जो कि इनकी निस्बत भी क्या हो, बड़ा हो। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट आर हर्बीवोर्स एनिमल्स जनरली पुअर फाइटर्स वाइज ओरी एंड बेटर एट डिफेंस देम अटैक। ये जो है हर्बीवोर्स जो पुअर फाइटर्स हैं एंड बेटर एट डिफेंस देन अटैक, और ये डिफेंस जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अटैक। तो क्वेश्चन में हम बताएंगे आंसर में, हर्बीवोर एनिमल्स आर जनरली पुअर फाइटर, ये वाकई में पुअर फाइटर होते हैं बिकॉज दे लैक द शार्प टीथ, क्योंकि इनके शार्प टीथ नहीं होते, क्लॉज नहीं होते इनके पास, और आर वेपन्स यूज बाय कार्निवोर्स व्हेन हंटिंग। कार्निवोर्स की तरह इनके पास इतनी सलाहियतें नहीं हैं कि ये खुद को डिफेंस कर सकें, किसी के खिलाफ लड़ सकें किसी के खिलाफ, इसलिए ये जो है ये पुअर फाइटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाई डू कार्निवोर यूजुअली लीव ऑन देयर ओन येट हर्बीवोर लिव इन ग्रुप्स सच एज फ्रॉग्स एंड हर्ड्स। कार्निवोर्स खुद ही अपनी ज़िंदगी का इंतजार अपने ऊपर ही करते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर, लेकिन हर्बीवोर जो ग्रुप्स में रहते हैं, इसकी क्या वजह है। विद एक्सेप्शन ऑफ द लियोन्स लाइंस एंड द वुल्व्स, मोस्ट कार्निवोर्स लीव ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन यूज स्टील्स टू अप्रोच देयर प्रे, क्योंकि ये जो हैं कैमोफ्लेज एबिलिटी को शो करके अपने प्रे को इजीली कैप्चर कर लेते हैं, इसीलिए ये जो हैं अपने ऊपर ही इंहसार करते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजार सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ बीफ टेपवर्म इज लिविंग इन द ह्यूमन गट, जब एक टेपवर्म जो है बीफ में मौजूद हो और वो ह्यूमन की गट में रहे, हाउ डज द टेपवर्म बेनिफिट एंड हाउ डज द ह्यूमन सफ़र, ये किस तरह से बेनिफिट हासिल करता है टेपवर्म और ह्यूमन किस तरह से सफ़र करता है। तो जब हम इसका आंसर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब टेपवर्म जो है वो बेनिफिट किस तरह से, इसको शेल्टर मिल जाता है रहने के लिए, इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है ह्यूमंस की, और जो ह्यूमंस हैं वो जो हैं वो सफ़र किस तरह से करते हैं, सम पीपल सफ़र लॉट ऑफ एपिटेट एब्डोमिनल पेन्स एंड लॉस ऑफ वेट ETC, उनके अब्डोमन में पेन होती रहती है, उनको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगती है और उनका वेट जो है वो कम होता रहता है, ये वजूहत हैं कि उनकी बॉडी में उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मौजूद है टेपवर्म। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की डायरी में लर्न करना है आपने क्वेश्चन, ऑल द अबव क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट दैम हेयर एंड वी हैव टॉक अबाउट दैम हेयर एंड राइट दैम ऑन योर नीड नोटबुक। थैंक यू।